हाई एवरी वन वेलकम बैक टू इन लेक्चर्स तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जिन लोगों ने क्लास ट्वेल्थ पी सी बी या पी सी एम बी स्ट्रीम से पास आउट किए हैं तो इस वीडियो में हम कोर्सेज आफ्टर क्लास ट्वेल्थ साइंस डिस्कस करने वाले हैं गाइज मैं पर्सनली पी सी एम स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ लेकिन मैंने आप लोगों बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है ताकि आप एक अच्छा करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सको जो आपके इंटरेस्ट को फॉलो करता हो जो आपके पैशन को फॉलो करता हो गाइज़ uh, मैंने ऑलरेडी क्लास ट्वेल्थ पी सी एम स्ट्रीम के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं उस पर वीडियो बनाया है तो अगर आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड को वो रिकमेंड कर सकते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप अपने फ्रेंड्स या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मेडिकल एंड पैरामेडिकल में डिफरेंस देखेंगे मेडिकल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद आप क्वालिफाइड डॉक्टर बनते हो और पैरामेडिकल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो मेडिकल वर्क में सपोर्ट करते हैं एंड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली uh, ये टेक्नीशियंस होते हैं जो ब्लड टेस्ट करते हैं uh, सिटी स्कैन uh, टेक्नीशियंस वगैरह ठीक है तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम साइंस फील्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि साइंस फील्ड में अगर आपको फर्दर फ्यूचर में करियर बनाना है तो आप कौन कौन से कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो एंड आफ्टर दैट हम नॉन साइंस में डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबसे पहला है एम बी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैच ऑफ सर्जरी नो डाउट ये टॉप करियर ऑप्शन है जो ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल रिस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी गाइस एम बी बी एस कोर्स एक ऐसा कोर्स है uh, जो सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही किया जा सकता है तो ये पा, सारे पाँच साल का कोर्स है एंड जिसमें से एक साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी या कॉलेज चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो ज़्यादातर मतलब जो टॉप कॉलेजेस है वो नीट एग्जाम प्रेफर करते हैं नीट एग्जाम कंसीडर करते हैं अगर आप नीट एग्ज़ाम क्लियर करते हो उसके बाद एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है उसके बाद आपको कॉलेजेस मिलते हैं तो पहले एम्स का एग्जाम हुआ करता था जिपमा का एग्जाम हुआ करता था लेकिन अब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता आप सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्ज़ाम ही क्लियर करना होगा तो कंपटीशन बहुत है और सीट्स बहुत कम है एम करने के बाद आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाते हो एम को करने के बाद आप एम कर सकते हो या फिर आप एम कर सकते हो ठीक आ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर मास्टर ऑफ सर्जरी तो गाय एम करते हो तो आप फिजिशियन uh, बनते हो और अगर आप एमएस uh, करते हो तो आप सर्जन बनते हो तो बेसिकली एमएस जो है यानी कि जिससे आप सर्जन बनते हो अगर आप ये कोर्स करते हो तो गर्ज uh, सर्जन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है ड्यूटीज ज्यादा होती है फिजिशियन के कंपैरिजन में और इसकी अर्निंग भी ज्यादा होती है तो ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या चूज़ करना है अगर आप एम करते हो तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हो ठीक है आप डायरेक्टली एम के बाद भी आप एज़ अ डॉक्टर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो ठीक है एंड इसके अलावा आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो नर्सिंग होम ओपन कर सकते हो या फिर हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हो ठीक है आप एज अ टीचर टीचर uh, फैकल्टी में आप मेडिकल uh, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो ठीक तो है तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं एम बी कोर्स को करने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है वो है बी एम एस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एम में एलोपैथिक uh, पे ज़्यादा फोकस किया गया है एंड बी एम एस बैच ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आयुर्वेदा पे ज़्यादा फोकस किया गया यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन तो ये मॉडर्न मेडिसिन से और ये पुराना मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन से तो आयुर्वेदिक जो है वो इंडिया में ही इन्वेंट किया गया है और ये केमिकल फ्री मेडिसिन होते हैं और इसकी एक्सपायरी वो बहुत कम होती है बहुत कम मेडिसिन ऐसे होती हैं जो एक्सपायर्स होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई भी एनिमल्स का यूज नहीं किया जाता तो आप बी में आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदा पे ज्यादा फोकस करते हो बी एम एस करने के बाद आप एम डी या एम एस कर सकते हो आयुर्वेदा में ठीक है इसके बाद भी आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनते हो बहुत सारे एंट्रेंस uh, एग्जाम्स uh, होते हैं लेकिन ज्यादातर नीट प्रिफर करते हैं uh, ज्यादातर तो कोर्सेज के लिए नीट एग्जाम ही होता है एंट्रेंस एग्जाम uh, और बाकी जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी uh, लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है बी एच एम एस बैच ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी तो ये कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो इसमें क्या है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पे फोकस किया गया है ये भी साढ़े पाँच साल का कोर्स है जिसमें एक साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है अगेन बी में भी आपका साढ़े पाँच साल का कोर्स होता है जिसमें एक साल का इंटर्नशिप होता है बी अगर आप करते हो तो इसके बाद आप क्वालिफाइड डॉक्टर बनते हो ठीक है इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है होम्योपैथिक मेडिकल शॉप खोल सकते हो आप ठीक आपके पास लाइसेंस होता है एंड आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो बी के बाद आप एम कर सकते हो एम डी इन होम्योपैथिक एंड एम डी इन फार्माकोलॉजी कर सकते हो नेक्स्ट है बी यूमएस बैचर ऑफ़ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी अगेन ये साढ़े पाँच साल का कोर्स है जिसमें आपका एक साल का इंटर्नशिप होता है ये सारे कोर्सेज लगभग जो साढ़े पाँच साल का कोर्स है ऑलमोस्ट एम बी बी एस कोर्स के uh, सिमिलर ही होता है ठीक है तो अगर इन केस आपका एम बी बी एस में एडमिशन नहीं होता है तो आप बाकी कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है ठेके? आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट कर सकते हो चूज कर सकते हो बी ओम एस बैच ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो है इस कोर्स को करते हो तो आप यूनानी मेडिस यूनानी सिस्टम में आप प्रोफेसर या फिर लेक्चर या फिर आप रिसर्चर या साइंटिस्ट बन सकते हो ठीक है एंड आप चाहो तो यूनानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो यूनानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हो ठीक है यूनानी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो एज अ टीचर एज अ लेक्चरर Uh, इसके बाद आता है बी एन वाई एस मतलब बैच ऑफ नेचुरोलॉजी नेचुरोपैथी एंड uh, यौगिक साइंस तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस मतलब नेचर से रिलेटेड है ये और योगिक साइंस यानी योगा से रिलेटेड तो ये भी सारे पांच साल का कोर्स है एक साल का इंटर्नशिप तो इसको करने के बाद आप योगा टीचर बन सकते हो uh, आप पेशेंट uh, को एज अ नेचुरल ट्रीट कर सकते हो मतलब uh, बिना किसी मेडिसिन के नेचुरली आप किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन uh, कोई भी कोर्स आप करते हो तो सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होता है स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी कोर्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हो और उस कोर्स को 100 परसेंट दे रहे हो ठीक है 100 परसेंट अपना दे रहे हो उस कोर्स में uh, तो फर्दर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो बी एन वाई एस कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें एक ट्रस्ट लेवल पैदा करना होता है कोर्स को करने के बाद अगर आप पर्टिकुलर फील्ड में या इसी कोर्स की हम बात करते हैं तो में इस फील्ड में अगर आप इस कोर्स में अगर आप स्किल्ड हो तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल के ठीक है बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो नेक्स्ट है बी डी एस बैच ऑफ डेंटल सर्जरी तो बैच ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो आप बी डी एस कोर्स कर सकते हो uh, जो कि आई थिंक पाँच साल का कोर्स है एंड इसको करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो वहाँ पे आप अपना डेंटिस्ट्री कर सकते हो नेक्स्ट है बी बी एस सी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस तो बेसिकली इस कोर्स को करने के लिए एक बेसिक क्वालिटी की ज़रूरत है वो है कंपैशन ऑफ एनिमल्स तो इस कोर्स को करने के बाद आप बेसिकली एनिमल्स को ट्रीटमेंट देते हो ठीक है एंड ये कोर्स जो है इस कोर्स को करने के बाद आप uh, खुद का क्लिनिक तो ही सकते हो साथ ही साथ आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हो पोल्ट्री फार्म या रैबिट फार्म स्टार्ट कर सकते हो ठीक है बिल्कुल एम बी बी एस की तरह ये सारे पाँच साल का कोर्स है जिसमें एक साल का इंटर्नशिप होता है नेक्स्ट है बी एस सी तो बी एस सी कोर्स आप कर सकते हो अगर आपने बायो चूज किया तो आप किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट को लेके आप बी कोर्स कर सकते हो लाइक आप जोलॉजी से कर सकते हो बॉटनी से कर सकते हो ठीक है या फिर अगर आप चाहो आ, तो होम नर्सिंग होम से कर सकते हो ठीक है या फिर माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप एक सब्जेक्ट को लेके आप बीएससी कर सकते हो या बीएससी ऑनर्स कर सकते हो इसके बाद आप एमएससी कर सकते हो ठीक है सेम सब्जेक्ट को लेके गाइज uh, आप चाहो तो इंटीग्रेटेड एमएससी भी कर सकते हो सीधे जो पांच साल का कोर्स होता है तो अगर आप सपोज आपको जॉलोजी में करना है या बॉटनी में करना है तो वो लेके आप इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हो नेक्स्ट है बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स करते हो ये भी कोर्स लगभग चार या साढ़े चार साल का कोर्स है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे एक्चुअली uh, जो ड्यूरेशन है उसमें कुछ आधे छः महीने या फिर एक साल का इंटर्नशिप होता है तो वो यूनिवर्सिटी पे या कॉलेज पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये चार ये साढ़े चार साल का कोर्स है तो इसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो ठीक है नेक्स्ट है बी फार्मा एंड डी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन एं फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी तीन साल का कोर्स है और ये जो कि डिप्लोमा कोर्स है और ये है चार साल का ठीक है तो बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स अगर आप करते हो कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हो ठीक है आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप अपना मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो इन कोर्स के बाद अब यहाँ पे आते हैं बी ए एस एल पी यानी कि बैच ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे दो सब्जेक्ट पे फोकस किया गया है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी पे तो अब यहाँ पे अगर आप बी एस एल पी कोर्स करते हो तो न, आप लिसनिंग uh, डिसऑर्डर और बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर को डील करते हो ऑडियोलॉजी में एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में आप स्पीच uh, रिलेटेड या फिर लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर को डील करते हो ठीक है तो ये चार साल का कोर्स है नेक्स्ट है बी एफ एस सी या फिर बी एस सी तो बैच ऑफ साइंस इन फिशरी ठीक है या फिर बी एस सी इन फिशरीज कर सकते हो तो इसमें क्या होता है बेसिकली uh, जो फिशज होते हैं उनके डिफरेंट स्पेसीज uh, के लाइफ एंड ब्रीडिंग के बायोलॉजिकल स्टडी uh, पे फोकस है एंड uh, इसमें आपका मैनेजमेंट मार्केटिंग कंजर्वेशन प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ें ऑफ फिश Uh, ये सारी चीजें पे फोकस है बी एफ बी एफ एस सी या फिर बी एस सी एन फिशरीज नेक्स्ट है uh, यहाँ पे आपका ये भी चार साल का या साढ़े चार साल का कोर्स होता है डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी नेक्स्ट है बैच ऑफ ऑप्टोमेट्री बैच ऑफ ऑप्टोमेट्री मतलब कि विजन uh, अगर आप यू नो आई साइड होती है उससे रिलेटेड डॉक्टर को uh, बनना है अगर तो आप बैच ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हो चलिए नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इसमें मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं बायो इसमें दो शब्द से बना दो वर्ड से बना बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली अगर आपको इन्वेंशन करना है या पुरानी चीज़ों को इम्प्रूव करना है तो आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो अगर आपको एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो या फिर अगर आपको एक्वाटिक लाइफ में एक्वाटिक लाइफ में चाहिए इंप्रूवमेंट तो आप ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो ठीक है उसके लिए कोर्सेज है बीटेक बीई बीएससी तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशनस है तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो नेक्स्ट वन इज बीएमएलटी और डीएमएलटी बैच ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी तो दोनों कोर्सेज सेम ही है बस डीएमएलटी आपका 2 साल का है और बीएमएलटी आपका 3 साल का है ठीक है एंड तो बेसिकली आपको अगर लैब टेक्नीशियन बनना है चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो एम या फिर एक्सरे रे टेक्नीशियंस हो ठीक है तो लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको बी या डी कोर्स करना होगा चलिए ये हो गया साइंस फील्ड के लिए अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस चूज़ करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस बी ओ एम एस एफ बी एन वाई एस ये यहाँ तक आपका सारे पाँच साल का कोर्स है एंड इसके बाद ये भी आपका सारे पाँच साल का कोर्स है तो ये सारे कोर्सेज जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि बिल्कुल बी एम बी बी एस की तरह ही है तो अगर आपको एम बी बी एस कोर्स में के लिए एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो बाकी ये सारे कोर्सेज भी बहुत डिमांडिंग uh, है स्कोप uh, आपका तभी होता है किसी भी कोर्स में जब आप उस पर्टिकुलर कोर्स को अच्छे से करते हो और आप पूरी तरीके से स्किल्ड होते हो उस फील्ड में डिग्री गैस बहुत सारे बच्चे डिग्री लेके बैठते हैं uh, लेकिन उससे कुछ नहीं होता डिग्री इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्किल्ड हो और आप एजुकेटेड हो उस फील्ड में ताकि आप खुद का क्लिनिक खोल के भी आप अर्न कर सकते हो चलिए नेक्स्ट हम नॉन साइंस फील्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे केबिन क्रू लिखा है मतलब एयर होस्टेस अगर आप बनना है या फ्लाइट अटेंडेंट बनना है तो आप इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो इंटरनेशनल एयरलाइंस और डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है तो आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशनस है जिसे आपको फुलफिल करनी होती है लाइक अनमेरिड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड सेकेंड थिंग इज प्रॉपर आईसाइट होनी चाहिए गुड हेल्थ होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए ठीक है इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज आता है लाइक स्पेनिश वगैरह तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है एंड uh, बाकी अगर आपके फेस वगैरह और हैंड्स में कोई भी निशान नहीं होना चाहिए कोई टैटू नहीं होना चाहिए तो बहुत सारी कंडीशन है केबिन क्रू बनने के लिए तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट है एविएशन मैनेजमेंट एविएशन मैनेजमेंट बेसिकली जो एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस होती है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट का फिक्स प्रोटोकॉल्स होता है फिक्स काम होता है जिसको मैनेज किया जाता है ठीक है तो मैनेजेरियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और का जो काम होता है वो आप एविएशन मैनेजमेंट कोर्स को करने के बाद कर सकते हो चलिए एन आता है एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी बेसिकली uh, इसमें इंडियन आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए कोई भी ट्वेल्थ में किसी भी स्ट्रीम से पास आउट आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं तो आपने बायो से स्ट्रीम बायो स्ट्रीम से पास किया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये बेसिकली बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए नहीं है बॉयज़ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एन डी ए काफ़ी फेमस रिटर्न एग्ज़ाम है uh, जो कि यू के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है तो अगर आपको इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना है तो आप एन का फॉर्म भर सकते हो चलिए नौ नेक्स्ट जो है वो है लॉ uh, अगर आप चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद भी आप एलएलबी कर सकते हो तीन साल का कोर्स होता है एंड अगर आप ट्वेल्थ के बाद करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ट्वेल्थ uh, के बाद भी कर सकते हो ट्वेल्थ uh, के बाद बेसिकली बी एल बी एल एल बी 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 एल एल बी बी कॉम एल एल बी या बी एस सी एल एल बी कर सकते हो तो इसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है एंड uh, जैसे क्लैट uh, का एग्ज़ाम देते हो तो आपको एन एल यूज़ में एन के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको एडमिशन मिलता है जैसे आई uh, के लिए आप जे मेन का एग्ज़ाम देते हो उसी तरीके से एन के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है और उसे क्लियर करना होता है जैसा अच्छा रैंक होगा उस हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं चलिए नेक्स्ट ये ट्रेवल एंड टूरिज्म कोर्स ट्रेवल एंड टूरिज्म कोर्स को करने के लिए आप बीबीए कर सकते हो बीए कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे ट्रेवल एंड टूरिज्म के बाद हम आते हैं बी डिजाइन बैच ऑफ डिजाइन बैच ऑफ डिजाइन कोर्स कर सकते हो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है लाइक like आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो ठीक है टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर सकते हो तो स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है

चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस पे मैंने वीडियो बनाया सी एफ पे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड डिटेल्ड वीडियो आएगी धीरे धीरे करके तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो और उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आप जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होगी तो आपको टाइम पे मिल जाएगा नेक्स्ट एफ आर कर सकते हो तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और कुछ ऐसे हैं जो नए हैं ठीक है थीके? तो वो मैं फर्दर वीडियोज़ में कवर करूंगी यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्स अगर आपको करना है तो मैनेजमेंट कोर्स के लिए आप बीबीए कोर्स कर सकते हो बीबीएम कर सकते हो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दोनों सेम कोर्सेज है आ, दोनों ही बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज ये फर्क इतना है इन दोनों में कि कुछ यूनिवर्सिटी बीबीएम करवाती है कुछ यूनिवर्सिटी बीबीए करवाती है ठीक है बाकी ये दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है बीएसएम कोर्स कर सकते हो अगर आपको स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो बी कोर्स कर सकते हो बैच ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के लिए बैच ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट है और नेक्स्ट है बीई एम बैच ऑफ इवेंट मैनेजमेंट तो अगर आपको इवेंट मैनेजर बनना है होटल मैनेजर बनना है स्पोर्ट्स मैनेजर बनना है तो ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है चलिए नेक्स्ट है जर्नलिज्म एंड मास मीडिया तो अगर आपको मास मीडिया को ज्वाइन करना है मतलब अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है अगर आपको न्यूज एंकर न्यूज रिपोर्टर बनना है तो आप बी एम एम कोर्स कर सकते हो बैच ऑफ मास मीडिया या फिर बीजेएमसी कोर्स कर सकते हो बैच ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होती है आ, तो आप फो, फोटोग्राफी आ, कर सकते हो फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो ठीक है एंड या अगर आपको मास मीडिया से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो आप बी एम एम से कर, कर सकते इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा दोनों पे ही वीडियो बना है आप चेक कर लो चलिए नेक्स्ट है अदर कोर्सेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे बी है बैच ऑफ कॉमर्स तो जैसे कि मैंने कहा आ, साइंस के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है एडवांटेजेस हो ये है कि वो हर फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ज़रूरी नहीं है अगर आपको साइंस फील्ड में नहीं जाना है तो आप इन सब में ठीक है कंटिन्यू कर सकते हो बी कर सकते हो बैच ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बी ए बैच ऑफ आर्ट्स कर सकते हो बहुत सारे फील्ड होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले कर सकते हो यहाँ पे बी वक बैच ऑफ वोकेशन बैच ऑफ वोकेशन नया कोर्स है आ, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसको इसके बारे में तो इसके बारे में अगर जानना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बी एफ ए बैचल ऑफ़ फाइन आर्ट तो बी एफ ए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है बैचल ऑफ़ फाइन आर्ट्स आप अप्लाइड आर्ट से कर सकते हो स्कल्पचर से कर सकते हो आर्ट से कर सकते हो एंड फोटोग्राफी से कर सकते हो ठीक तो है तो बहुत सारे ऑप्शन है नेक्स्ट है बी एस डब्ल्यू ऑफ सोशल वर्क तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क बेसिकली अगर आपको सोशल वर्कर बनना है या काउंसलर बनना है अगर आपको ओल्ड एज होम ज्वाइन करना है ऑर्फनेज ज्वाइन करना है ठीक है एनजीओ ज्वाइन करना है तो आप बीएसडब्ल्यू कोर्स कर सकते हो ऑफ सोशल वर्क तो ये कुछ नॉन साइंस फील्ड में आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारे ऐसे ऑप्शनस हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था इसलिए और साइंस फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए ठीक है तो आप उसके लिए गूगल करके सर्च कर सकते हो अदरवाइज हम इस चैनल पे वीडियोस आती रहेगी बायो से रिलेटेड हो चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो कॉमर्स आर्ट किसी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो वीडियोस इस चैनल पे आती रहेगी तो सब्सक्राइब कर लो और कोई भी डाउट हो इन सब से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो और आप अपने क्योरीज पूछ सकते हो ठीक है कोई भी डाउट हो एंड गायस नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ठीक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगी जो जो वीडियोस बन चुकी हैं वो सारे वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएगा तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर